कौन बोल रहा है? साले कमीने, मुझे भूल गया, मुझे नहीं पहचाना। मैं तेरे बचपन का दोस्त अजय बोल रहा हूँ। अरे अजय, तुम और दोस्त कैसा है? तुम इतने दिन से कॉल किया, कैसे याद रहेगा? चल ठीक, अभी तू कहाँ है? कल हम सभी दोस्त गांव जा रहे हैं। सभी दोस्त? और मतलब कौन? वो तो तुझे कल ही पता चल जाएगा, कल समय पर आ जाना। हेलो, कौन हो भाई? इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? शरीफ आदमी को सोने भी नहीं देते हो टाइम से। अरे मैं तेरा बचपन का दोस्त अजय बोल रहा हूँ। अब दिन की 12 बजे हैं, रात की नहीं। अजय, कैसा है तू? इतने दिन कहाँ था? कॉल भी नहीं किया। अरे सुन, कल हम सभी दोस्त गांव जा रहे हैं, तुम भी अपना सामान पैक करना और टाइम से आ जाना। गाँव यार, गाँव नहीं चलते हैं, यहीं कहीं चलते हैं, यहीं घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। तू तो जानता ही है 15 साल पहले गांव में क्या हुआ था। अरे फट्टू, कल तू आ रहा है, हम सभी गांव जा रहे हैं, 15 साल पहले की बात भूल जाओ, ठीक है? कल समय पर आ जाना। हेलो हेलो, कौन है अजय? क्या बात है दोस्त, एकमात्र तू ही है जिसने मुझे पहचान लिया। मैं बढ़िया हूँ, तू कैसा है? अच्छा सुन, कल हम सभी गांव जा रहे हैं, तुम भी समय पर आ जाना। ठीक है। यार पता नहीं मुझे घबराहट से क्यों महसूस हो रही है। मेरी बात मानो, गांव नहीं चलते हैं। ये देखो, बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया है, ये अब सुकून आ गया। क्या यार तू भी, अब हम सभी 21वीं सदी में जी रहे और तुम भी इन अंधविश्वासों को मानते हो। बिल्ली भी तो एक छोटा सा जीव है, चलो चलते हैं। क्या यार राहुल, इतना बड़ा हो गया तो ये बचपने वाली आदत नहीं थी। क्या हुआ अर्जुन? यार पता नहीं यार, बंद हो गई, चालू नहीं हो रही वापिस। चल उतर के देखते हैं। ओह अर्जुन,
उधर मौसम भी वहां से होने लगता है। सुनो गाइस, पता नहीं मुझे घबराहट सी क्यों महसूस हो रही। हाँ, जब से अपन यहाँ पे आए तब से अपने साथ कोई ना कोई घटना हो रही है। अरे यार, फालतू की बातें करके मुझे भी डरा रहे हो। हाँ, रात के 2:10 बज गए, नींद भी आ रही, चलो सो जाओ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई आया था। कोई नहीं है, चल, तेरी नींद में चलने की आदत नहीं गई अभी तक। सुनो यार, कहीं घूमने चलते हैं। पर कहाँ चले? गांव में कहाँ घूमने चले, मैंने कहा था शहर में ही कहीं घूमते हैं, पर तुम सब नहीं मानते। अरे यार, मैं बताता हूँ, वहाँ चलते हैं जब हम बचपन में वहाँ घूमने जाया करते थे। ठीक है, वहीं चलते हैं। क्या हुआ था, तुम नीचे कैसे चले गए थे? लगता है मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा है और मैं नीचे गिर गया। मुझे लगता है कि अब हमें शहर लौट जाना।
कोई नहीं बचेगा हम में से कोई नहीं बचेगा, वो हम सबको मार डालेगा। मुझे भी यही लग रहा है, सब गलती मेरी है। सभी को फोन करके मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, नहीं गांव चलने के लिए बोलता। अब तो एक ही आदमी है जो उससे हमें बचा सकता है। और वो कौन? मेंटलिस्ट राजकिशोर। और वो कौन है और उस आत्मा से मैं कैसे बचा सकता है? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को अपने वश में किया है। तो चलो फिर, देरी किसी बात की है, चलते हैं वहाँ। आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं, आपकी हमें मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम चारों दोस्त जब से गांव में आए हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। अरे यार खुल के बताना, कोई आत्मा हमें जान से मारना चाहती है। कोई आत्मा? हाँ जी आत्मा। हम नहीं बचेंगे, हम सब मारे जाएंगे। कोई तो है जो तुम्हारा पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहा है, कोई बताएगा मुझे कि 15 साल पहले क्या हुआ था? मैं बताता हूँ क्या हुआ। रहने दे। नहीं मैं आज नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। 15 साल पहले हम 4 नहीं बल्कि 5 दोस्त थे। हम सभी बचपन में साथ साथ खेलते, हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन अजय और विजय के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। एक दिन की बात है, हम सभी दोस्त हमारे गाँव के बरगद के पेड़ के ऊपर खेल रहे थे। तभी अजय और विजय के बीच में झगड़ा हुआ। अजय ने विजय को धक्का मारा जिससे विजय नीचे गिर गया और पत्थर से उसका सर टकरा गया। उसी वक्त उसकी मौत हो गई और हम सभी ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया और विजय को बरगद के पीछे दफना दिया। और उसके बाद हम सभी गांव छोड़कर शहर आ गए, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। और जब हम सभी 15 साल बाद वापिस गाँव आए तब से हमारे साथ अजीबो गरीबो घटनाएं हो रही है। अगर हम ऐसा पता होता तो हम कभी वापस लौट कर नहीं आते। प्लीज आप ही हो जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबकी मदद करूंगा, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम सभी को करना होगा और इसमें तुम सभी की जान को अभी खतरा है। आप जैसा बोलोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। कल तुम सभी को उसी बरगद के पेड़ के नीचे आना होगा। तुम सभी तैयार हो? हाँ। तो मिलते हैं कल उसी बरगद के पेड़ के नीचे दिन के 12 बजे। ठीक है ठीक। कल सभी समय पर पहुंच जाना। नहीं तुम सभी यहीं रुको, मेरे साथ सिर्फ अजय आएगा। अजय जो मैंने तुम्हें बताई थी वो सारी चीजें तुम्हें याद आएगी? नहीं जी मुझे याद है बिल्कुल। इसमें अगर थोड़ी सी भी तुमने लापरवाही की और थोड़ी सी भी चूकी तो तुम्हारी जान जाने का पूरा खतरा है। ठीक है सर। मैं तुम्हारा दोस्त विजय,
तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने मुझे बिना विधि के ही दफना दिया। तुम लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं देखा उस टाइम में मरा हुआ था या जिंदा। तुम्हें पता है मेरी मौत नीचे गिरने से नहीं हुई। तुम लोगों ने मुझे जब दफनाया था तो मेरी मौत दम घुटने से हुई। क्या? हमें माफ कर दे यार, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लोगों ने मेरे साथ फिर से धोखा किया, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। तो फाइनली गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा ये भी साथ में मेंशन कीजिएगा। और हमने हमारा 100% देने की कोशिश की, फिर भी बहुत सारी कमियां इसमें रह गई है, तो कमियों को नजरअंदाज करके हमारी मेहनत को देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और इसको बनाने में जो भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वो जो छोटी छोटी क्लिप है वो मैं साथ में मेंशन कर रहा हूँ, देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेंटलिस्ट राजकिशोर, उन्होंने सॉरी और कौन फिर भी लेना की ध्यान ही रखूंगा। हेलो लोग, ओ माय गॉड, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। कोई आत्मा मैंने बोलना रहने दे। और इसमें तुम सभी को एक मिनट, इतनी सी भी अगर चूक हुई तो उसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा है। क्या तुम्हें थोड़ी सी क्या और क्या लगता है मेरे आंसू कम ले तू बोल है ना। जाओ और तो बेलू बेलू से रखो। जय बच्चा।